हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद दस किचन। आप सब लोग कैसे? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं पम्पकिन पराठा। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। 400 ग्राम पम्पकिन ले लेंगे, हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा ले लेते हैं, गरम मसाला ले लेंगे और धनिया ले लेते हैं हाफ टी स्पून भून के इसे कूट लिए हैं। मिर्च पाउडर ले लेंगे हाफ टी स्पून, इसे भी भून के कूट लिए हैं। 1/4 हल्दी ले लेंगे और अजवाइन ले लेंगे हाफ टी स्पून, नमक ले लेंगे 1 टी स्पून और थोड़ा खट्टा मीठा लेंगे। पम्पकिन तो हमारा मीठा होता है और थोड़ा खट्टा, इसके लिए हम यहाँ पर हम जो पाउडर ले लिए हैं। छील के अच्छी तरह से इसे छोटा छोटा पीस में काट लेंगे। पम्पकिन को कहीं पर कोहरा भी कहा जाता है, कहीं पर कद्दू भी कहा जाता है। आपके वहाँ कौन नाम से इसे बुलाते हैं वो हमें कमेंट पर बताएं। देखिए, इसे छोटा छोटा पीस में इस तरह से काट लेते हैं। देखिए, सभी कोहरा को काट लिए हैं, अब धो लेते हैं इसे। देखिए, अच्छी तरह से धो लिए हैं और थोड़ा सा पानी दिए, बस थोड़ा सा ही देना है दोस्तों, बस 1/2 कप, और कुकर में डाल के 1 सीटी लगा लेंगे। इस तरह जल्दी पक जाएगा हमारा कोहरा, और नहीं तो अगर आपके हाथ में समय है इसे कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं। देखिए, ये उबल गया है और अच्छी तरह से पक गया है। पानी थोड़ा था इसमें दोस्तों, और हम पानी को ये अलग हटा के रख लिए हैं, ठंडा कर लिए हैं। ठंडा करके देखिए अब मैश कर रहे हैं। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, हम कांटा चम्मच से मैश कर ले रहे हैं। अच्छी तरह से पूरा मैश कर लेंगे। देखिए, अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और तब तक हम आपको याद दिला दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हमें कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसे लगी और इस तरह नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब रख देंगे इसे और आटा ले लेते हैं। 2 कटोरी आटा ले लिए हैं, मतलब समझिए तो हम 400 आटा ले लिए हैं। अब इसमें हम धनिया को, कुटा हुआ धनिया को डाल देते हैं, कुटा हुआ जीरा को डाल देते हैं, नमक को डाल देंगे, अजवाइन को हाथ से क्रश करके थोड़ा डाल देंगे, हल्दी को डाल देंगे, मिर्च को डाल देंगे। आप अगर ज्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं दोस्तों तो हरी मिर्च ले लीजिएगा। और अब हम अमचूर को भी डाल देते हैं, गरम मसाला को भी डाल देते हैं। सभी सूखा मसाला को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीका से। अब कद्दू को डाल देते हैं, या कोहरा जो भी आप कहते हैं अपने शहर में, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दोस्तों, मिक्स कर लेते हैं। बाकी बचा हुआ कोहरा को भी डाल दिए हैं। अब गूथ लेते हैं आटा को, हम अच्छी तरह से गूथेंगे दोस्तों। देखिए, अच्छी तरह से मसल मसल के गूथ लिए हैं। देखिए, थोड़ा सा इसमें से पानी लिए हैं हम, और इतना पानी बच चुका है। थोड़ा तेल को ढाल लेते हैं और तेल डाल के थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि आटा और सॉफ्ट हो जाए। देखिए, अच्छी तरह से गूंथ लिए हैं। अब ढक के इसे 5 मिनट रख देंगे। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और आटा पहले से सॉफ्ट हो चुका है। देखिए, अब हम थोड़ा सा और मसल लेते हैं आटा को। सूखा आटा में हाथ को लपेट के 1 लोई काट लेते हैं।
देखिए गुलाई बना लेते हैं। इसे सूखा आटा में आप लपेट लेंगे और चलते हैं बेलने। आप पराठा तो आप बहुत तरह का खाए होंगे दोस्तों, एक बार ये घोड़ा का पराठा बना के खाइएगा, ये खाने में काफी अच्छा लगता है, घर वालों को भी काफी पसंद आएगा। देखिए थोड़ा सा और सूखा आटा ऊपर से डाल देते हैं। देखिए बेल लिए हैं, अब इसके ऊपर पे हम ऑयल को लगा लेंगे। सभी में ऑयल लगा लिए हैं, अब चाकू से चीरा लगा लेते हैं इस तरह। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे हाथ से। हाथ से फोल्ड करेंगे। दाब लेंगे इसे अच्छी तरीके से। इसे फिर से सूखा आटा में लपेट के इसे बेल लेंगे। अभी इसे साइड में रख देते हैं। हम एक तरीका से और आपको दिखाते हैं दोस्तों। एक पिसौल लोई ले लेते हैं, देखिए एक पिसौल लोई ले लेते हैं। इसे भी सूखा आटा में लपेट लेंगे, एक्स्ट्रा आटा को झाड़ देते हैं और फिर से इसे बेल लेते हैं। देखिए रोटी बेल लिए हैं, अब इसे फिर से ऑयल को लगा लेते हैं। तो ऑयल को लगा लिए हैं, अब इस तरह से मोड़ेंगे इसे। देखिए इस तरह से मोड़ के थोड़ा लंबा कर लेते हैं। देखिए लंबा कर लिए हैं। देखिए एक तरफ का मुंह इस तरह से मोड़ लेते हैं, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये क्या है, इसे हम नीचे इस तरह से दाब देते हैं। देखिए दो तरह का डिजाइन हम आपको दिखाए हैं, आप किसी भी तरह का बना सकते हैं। देखिए ये दो डिजाइन दिखाए हैं, आप किसी भी डिजाइन में बना सकते हैं। एक ये डिजाइन है, इसको जरा हाथ से चपटा कर लिए हैं, और एक ये डिजाइन है, आप किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं। एक पीस लोई उठा लेते हैं, सूखा आटा में लपेट लेंगे इस तरह। एक्स्ट्रा आटा को झाड़ लेते हैं हाथ से दाब के, चलते हैं अब बेलने के लिए। एक पीस रोटी बेल लिए हैं। ओवन के ऊपर तवा पहले रख दिए थे, अब तवा गर्म हो चुका है। देखिए इसमें अब हम रोटी को डाल देते हैं। तो देखिए बबल्स हो गया है, यानी एक तरफ सूख गया है। पलट लेते हैं अब हम, इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। पलट लेंगे, दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेते हैं। देखिए दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक लिए हैं, अब नीचे उतार लेते हैं। तो देखिए पराठा बनकर तैयार हो चुका है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमें कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी।
और इससे नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें।